एशिया के प्रमुख और प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स ग्राउंडों में से एक यह गोल्फ कोर्स ग्राउंड यहाँ स्थित है और साथ में प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। यह आपको बर्फ से ढकी हुई जो पहाड़ की चोटियाँ हैं वह देखने को मिलेंगी, अलग अलग नदी झरने और लंबे लंबे चीड़ देवदार के वृक्ष देखने को मिलेंगे, फल आपको मिलेंगे, नदियाँ देखने को आपको मिलेंगी, तो इसीलिए यह जगह अपने आप में एक प्रसिद्ध जगह हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत के बारे में। रानीखेत का इतिहास क्या रहा और यहाँ कौन कौन सी ऐसी प्रसिद्ध जगह है, क्यों रानीखेत अपने आप में प्रसिद्ध है, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ऑन कर लीजिए। मैं उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। और साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा आपको कौन से हिल स्टेशन में जाना सबसे ज़्यादा पसंद आया, उत्तराखंड के कहाँ आपको सबसे ज़्यादा आनंद आया, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रानीखेत भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। दोस्तों यह एक पहाड़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहां आपको पहाड़ों से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें देखने और जानने को मिलेंगी। रानीखेत नाम की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि इस स्थान पर कतवीरी राजा सुधार ने अपनी रानी का दिल जीत लिया था, इसी कारण से बाद में उन्होंने इस जगह पर रहे भी थे तो इसीलिए उन्होंने इस जगह का नाम रानीखेत रख दिया। अल्मोड़ा से रानीखेत की दूरी जो है दोस्तों वह 46 किलोमीटर की है तथा कौन कौन से हिल स्टेशनों से यहाँ की दूरी कितनी है वह भी मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। रानीखेत अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत एक विशाल फौजी छावनी के लिए प्रसिद्ध है, आर्मी छावनी के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों रानीखेत में आपको प्रकृति के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं, बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ देखने को मिलती है, ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलते हैं, सुंदर घाटियाँ यहाँ से दिखाई देती है, चीड़ व देवदार के वृक्ष तथा ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको यहाँ दिखाई देते हैं, घने जंगल दिखाई देते हैं, जंगल और साथ में नदियाँ, यह सब आपको यहाँ दिखाई देता है जो प्रकृति प्रेमी के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। रानीखेत से नैनीताल की दूरी 63 किलोमीटर की है, अल्मोड़ा की दूरी 46 किलोमीटर की है तथा यहाँ से कौसानी की दूरी 85 किलोमीटर की है और काठगोदाम की दूरी 80 किलोमीटर की है। इन प्रसिद्ध स्थानों से आप आसानी से रानीखेत तक पहुंच सकते हैं। यहां जाने के लिए आपको ट्रेन नहीं टैक्सी या बसों का सहारा लेना पड़ेगा, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। रानीखेत में हिमालय से लगभग 400 किलोमीटर बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं का ज़्यादातर भाग दिखता है। दोस्तों अल्मोड़ा जिले के में स्थित रानीखेत में ही इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट की एक बहुत बड़ी छावनी यहाँ पर स्थित है तथा यहाँ पर एक प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स मैदान स्थित है जो एशिया के बड़े ग्राउंडों में से एक ग्राउंड के रूप में इसे भी जाना जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट की एक संग्रहालय भी स्थित है जहाँ अलग अलग उत्तराखंड में हुए अलग अलग युद्धों के वस्त्र अस्त्र और शस्त्र जो है जो उस समय के अवस्त्र थे अस्त्र थे शस्त्र थे वह सभी संग्रहित किए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और जान सकते हैं उत्तराखंड में किस तरह से प्राचीन समय में युद्ध हुआ करते थे और उनका इतिहास क्या रहा उसको आप और अच्छे और बेटर ढंग से वहां पर जाके जान सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये बता लूं यह संग्रहालय सरकारी छुट्टियों में बंद रहते हैं, बाकी सभी टाइम पर आप यहां जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी रानीखेत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम जानते हैं रानीखेत के इतिहास के बारे में, क्यों यह स्थान इतना प्रसिद्ध और प्रचलित रहा इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों रानीखेत नाम की उत्पत्ति के बारे में या इसके उदय के बारे में इस शहर के जानने के बारे में सबसे पहले कहा जाता है कि कतूर वंश के जो राजा सुधार देव थे उन्होंने इस जगह पर अपनी रानी का दिल जीता था, उनकी रानी को प्रकृति से बहुत प्रेम था और उन्होंने जब वह इस जगह पर अपनी रानी को लाए उन्होंने पर्वत श्रृंखलाए और प्रकृति के अद्भुत यहाँ पर नज़ारे देखे तो वह उन पर मंत्रमुग्ध हो गई, तभी से इस नाम की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है। 3 मई 1814 को गोरखाओं द्वारा कुमाऊं को अंग्रेजों को सौंप दिया था। 1830 से 1856 के बीच अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बगानों की स्थापना की तथा 1859 में पहली बार इस स्थान पर चयन ब्रिटिश सैनिकों के लिए रहने के लिए यहाँ पर आवास बनाए गए, अलग अलग छावनियाँ बनाई गई
और 1868 ईस्वी में कोटली व ताना के ग्रामीणों से 14 रुपया मुआवजे में भूमि अधिग्रहित कर दी गई और सन 1869 ईस्वी में यहाँ पर छावनी का गठन कर दिया गया। सन 1869 से 1870 में पुलिस स्टेशन की स्थापना भी यहाँ पर हुई। ब्रिटिश राज के दौरान एक समय रानीखेत को शिमला के स्थान पर ग्रीष्मकालीन मुख्यालय के रूप में भी प्रस्तावित किया गया था। 1913 में पहली बार तहसील मुख्यालय बना, जिसके नाम के बाद रानीखेत तहसील कर दिया गया। 1960 के दशक में रानीखेत में अलग जिला बनाने की मांग उठी, जो अभी तक भी जारी है। तो दोस्तों, इस तरह से रानीखेत का इतिहास रहा। अल्मोड़ा जिले में स्थित है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। और साथ ही दोस्तों, अब हम जान लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, कौन कौन सी ऐसी जगह है जो आप रानीखेत आके घूम सकते हैं, जहाँ मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी जगह है जो आपके लिए पर्याप्त रहेगी इस मौसम में यहाँ घूमने के लिए, जब भी आए देवभूमि उत्तराखंड में आए। दोस्तों, रानीखेत में आए तो गोल्फ कोर्स में आप जा सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। रानीखेत से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह एशिया के उत्तम गोल्फ कोर्सों में से एक माना जाता है। यहाँ पर माँ कालिका का मंदिर स्थित है, जो घने वृक्षों, देवदार और मोमोस के पेड़ों से घिरा हुआ है। और साथ में दोस्तों, चौबटिया गार्डन आप जा सकते हैं, जो मैंने स्क्रीन पर आपको पहले दिखाया था। आप यहाँ से द्वाराहार जा सकते हैं, झूला देवी मंदिर जा सकते हैं, कटारमल सूर्य मंदिर जा सकते हैं, तथा यहाँ कुमाऊँ रेजिमेंट का संग्रहालय भी स्थित है, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था। वहाँ भी आप इस रानीखेत के प्रसिद्ध स्थानों में से एक में जा सकते हैं। तथा दोस्तों, जो कुछ खास चीज़ें हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ताकि आप इन प्रसिद्ध जगहों पर जाके उत्तराखंड के बारे में और बेटर ढंग से और अच्छे ढंग से जान सकें। रानी झील जा सकते हैं, यह एक छोटी सी झील यहाँ पर स्थित है, निर्मित है और यह प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, ऐसी मान्यता है। इसी के साथ ही आप यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित बिनसर महादेव, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है, वहां भी दर्शन करने जा सकते हैं। इन सभी मंदिरों के बारे में हम आने वाली सीरीज़ में आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड टेंपल यात्रा पार्ट 2 के नाम से आने वाली है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जो हमने आज की वीडियो में आपको जानकारी दी, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज आप पूछने जा रहे हैं। रानीखेत में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित छावनी कब स्थापित की गई थी? तथा दूसरा नाम, रानीखेत उत्तराखंड के किस राज्य में स्थित है? और तीसरा, रानीखेत क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है रानीखेत के बारे में, रानीखेत के इतिहास के बारे में, साथ में रानीखेत में कौन कौन सी ऐसी प्रसिद्ध चीज़ें हैं जहाँ आप देख सकते हैं और जहाँ आप घूम सकते हैं, और कौन कौन से प्रसिद्ध स्थानों में से, देवभूमि के कौन कौन से प्रसिद्ध स्थानों में से यहाँ की दूरी कितनी है, वह भी मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो में बहुत कुछ बेहतर जानने को मिला होगा रानीखेत के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको रानीखेत में सबसे बेहतरीन जगह कौन सी लगी और क्या खास लगा, वो भी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के किसी और प्रसिद्ध शहर की जानकारी के साथ। जय हिंद।